और दोस्त क्या हाल है? क्या तुमने कभी ये सोचा है कि अगर धरती पर कोई ऐसी अपोकलिप्स आ जाए जिससे सारे मानव की प्रजाति ही खत्म हो जाए, अचानक से सारे इंसान गायब हो जाए, मतलब इंसान का कोई नामो निशान ही ना हो, तो धरती पर क्या होगा? धरती हमारे बिना कैसे चलेगी? ये बहुत ही एक सोचने वाली बात है। तो इस वीडियो में देखते हैं कि अगर इंसान एकदम से गायब हो गए तो धरती पर क्या होगा। सबसे पहली चीज जो होने लगेगी वो ये है कि जैसे ही इंसान गायब होने शुरू होंगे, धीरे धीरे करके धरती पर सारी रोशनी खत्म होने लग जाएगी, क्योंकि लगभग सारे पावर स्टेशन सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स पे ही चलते हैं, और यही नहीं, उनको चलाने वाले भी इंसान ही होते हैं। तो जब इंसान ही नहीं होंगे तो उनको चलाएगा कौन? तो धीरे धीरे करके रोशनी सारी खत्म होने लगेगी। लगभग 48 घंटे होते ही जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो एकदम से सेफ्टी मोड में आ जाएंगे। सारे विंडमिल्स सिर्फ तब तक चलेंगे जब तक कि उनके अंदर लुब्रिकेंट होगा, और धीरे धीरे करके जितने भी सोलर पैनल्स हैं वो भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको कोई साफ करने वाला ही नहीं होगा और उनपे मिट्टी जमनी शुरू हो जाएगी। लगभग सारी धरती की धीरे धीरे करके रोशनी जाने लगेगी। ऐसा लगेगा कि कोई बिजली आ ही नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो बिना ह्यूमन की इंटरवेंशन के चलती रहेंगी, जैसे कि कुछ ऐसे डैम हैं जो कि एक्टिवेट होते हैं पानी के फ्लो से, जैसे चाइना का थ्री गोर्जेस डैम या यूएसए का हुआ डैम। तो जितनी भी ऐसी चीजें होंगी वो महीनों महीनों तक अपने आप ही चलते रहेंगी और बिजली पैदा करती रहेंगी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ जो यातायात में आएगी वो होगी मेट्रो में, क्योंकि जितने भी मेट्रो के अंडरग्राउंड पैसेजेस हैं, उनकी साइड्स में पंप्स बने होते हैं ताकि उसमें पानी अंदर ना आ पाए, और जैसे ही वो पंप्स काम करना बंद कर देंगे मेट्रो में पानी की भरमार हो जाएगी और मेट्रो ही पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम इंसान सिर्फ बिजली से ही काम नहीं लेते, हम इंसानों से लिंक और भी चीजें हैं, जैसे कि छोटे छोटे पालतू कुत्ते और कई ऐसे जानवर जैसे कि चिकन, गायें, हमारे जाने के बाद जिनकी जिंदगी में बहुत फर्क आएगा। जितने भी छोटे छोटे कुत्ते हैं, क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकते, उनको खाना ढूंढने में बहुत दिक्कत आएगी, जिसकी वजह से वो भुखमरी से मर जाएंगे। और जितने भी पालतू कुत्ते जो रह जाएंगे उनको बड़े बड़े कुत्ते अपने आप ही खा जाएंगे। और हैरान कर देने वाली बात ये है कि हमारे जाते ही जितने भी चिकन की प्रजाति है और गाय की प्रजाति है वो धीरे धीरे करके मरने लगेंगे, क्योंकि उनकी जरूरतों के मुताबिक खाना मौजूद होगा ही नहीं, जिस वजह से उनकी धीरे धीरे करके मौत होने लगेगी। लेकिन असली मजा तो तब आने लगेगा जब एक महीने हो जाएंगे हमें इस धरती से गायब हुए हुए। जितना भी कूलिंग वाटर कोल प्रोडक्शन में यूज होता है, कोयले से बिजली बनाने में यानी कि थर्मल एनर्जी बनाने में, वो सब इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, और जितने भी कोल के पावर प्लांट है वो धीरे धीरे करके पिघलने लगेंगे और एकदम से फटने लगेंगे, और उनकी हालत इतनी बुरी होगी जितने की चेर्नोबिल या फुकुशिमा पावर प्लांट की हुई थी, जिसमें कि न्यूक्लियर लीक्स हुए थे, और उससे इतनी रेडिएशन पैदा होगी कि लाखों जानवर उस रेडिएशन से ही मर जाएंगे। लेकिन हमारे जाने के बाद जो एक अच्छा काम होगा कि जितनी हमने बर्बादी फैलाई है ये रेडिएशन और ये सब चीजें, वो थोड़ी जल्दी ठीक होने लगेगी। धरती अपनी कमियों से बहुत ही जल्दी उभरने लगेगी, और जितनी भी ये रेडिएशन होगी वो हमारे ना होने से काफी जल्दी ठीक होने लगेगी। सोचने वाली बात ये है कि जब एक साल हो जाएगा तो एक साल के बाद रात को आसमान में अजीब अजीब तारे दिखने लगेंगे। दोस्त वो तारे बिल्कुल भी नहीं है, वो ऑब्जेक्ट्स होंगे जो हमने सैटेलाइट के रूप में स्पेस में भेजे थे, क्योंकि उनको कोई चलाने वाला ही नहीं होगा तो वो अपने आप ही नीचे गिरने लगेंगे, क्योंकि उनमें कोई एनर्जी नहीं होगी तो वो अपने आप ही धरती में वापस आने लगेंगे, और जैसे ही वो धरती के एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो एक एक्सप्लोजन से आएंगे जो कि एक तारे की तरह या एक कॉमेट की तरह चमकने लगेगा। लगभग 25 साल के बाद जितनी भी सड़कें हैं, जितनी भी रोडें हैं, जितने भी साइडवॉक, फुटपाथ, सारे पौधों से भरने लग जाएंगे, क्योंकि उन पौधों को काटने वाला कोई नहीं होगा, और धीरे धीरे करके कोई सिटी हो या कोई गांव हो, सब जंगल में धीरे धीरे करके परिवर्तित होने लगेगा, और जहां पर हम रहते हैं वो जगह वापस जानवरों को मिलनी शुरू हो जाएगी। हमारे जाने के बाद
पॉल्यूशन धरती से धीरे धीरे करके बिल्कुल हटने लगेगा और आसमान बिल्कुल साफ होने लग जाएगा, जिसकी वजह से जानवरों को शिकार करने में बहुत मदद मिलेगी और वापस लाइफ साइकिल शुरू हो जाएगी। और इतने सालों के बाद जो सुंदर सुंदर सिटीज हैं, जैसे कि दुबई और लास वेगास, जो कि एक डेजर्ट है और मिट्टी पर बने हैं, वहां पर इतनी मिट्टी उड़ेगी कि सारी बिल्डिंग्स सब कुछ कवर हो चुका होगा और वो एक रेत के समुंदर में डूब चुका होगा। और लगभग 300 साल बाद जितनी भी हमारी मेटल कंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आईफिल टावर, बड़े बड़े ब्रिजेस, वो सब टूटने लग जाएंगे करोजन की वजह से, जंग लगने की वजह से, उनपे कोई मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो पूरे कोलैप्स होने लग जाएंगे। और जो लगभग हमारी आखिरी चीजें होंगी, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो सब टूटने लग जाएंगी और मिट्टी में वापस मिलने लग जाएंगी। ये सब टूटने की वजह से पानी के बहाव में रुकावटें कम होने लगेंगी, जिस वजह से पानी ज्यादा फैलने लगेगा, जिससे जानवरों को बहुत मदद मिलेगी अलग अलग जगह पहुंचने में। अलग अलग चिड़ियाओं की प्रजाति देखने को मिलेंगी, अलग अलग जानवरों की प्रजाति वापस आएगी जो हमारी वजह से गायब हो चुकी है। लगभग सारी स्पैरोज उड़ चुकी हैं और हमारे जाने के बाद शायद वो वापस उड़ के आने लग जाएंगी। हमारे जाने से सिर्फ भूमि के जानवरों को फायदा नहीं होगा, जो पानी में जानवर भी रहते हैं, जैसे कि मछलियाँ, उनको भी बहुत फायदा होगा। और लगभग 500 साल के बाद जितनी भी सिटीज हैं, वो ऐसे कुछ कुछ सुंदर से प्राकृतिक स्वर्ग में दिखने लगेंगी। और 10,000 साल के बाद जो देखने को मिलेगा कि इंसान भी कभी धरती पर थे, वो सिर्फ पत्थर के कुछ स्ट्रक्चर्स रह जाएंगे, जैसे कि पिरामिड ऑफ गीजा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और लगभग 50 मिलियन साल के बाद इंसानों की सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी धरती पर, जो कि है हमारी बनाई हुई प्लास्टिक की बोतलें और प्लास्टिक के लिफाफे। आखिरकार और 50 लाख साल में वो भी खत्म हो जाएंगे। और अगर आने वाले समय में कोई और इंटेलिजेंट स्पीसीज या कोई और इंटेलिजेंट लाइफ वापस धरती पे आती है, तो शायद उनको कभी पता भी ना चले कि हम कभी धरती पर रहते थे। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हमसे पहले भी कोई इंसान धरती पर रहते थे, जिसका हमें आज तक कभी भी पता नहीं चला। पर कुछ ना कुछ ऐसे प्रमाण तो मिलते ही रहते हैं, जैसे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद हमसे पहले भी कोई धरती पर रहता होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ सोचने वाली बात कि अगर हम धरती पे ना रहते तो क्या होता। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना ना भूलें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, क्योंकि अब हम हफ्ते में 2 वीडियो डालते हैं।